बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी और देश दोनों छोड़ना पड़ा। फिलहाल वो भारत में मौजूद हैं, कई देशों से राजनीतिक शरण मांग रही हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना के जीवन में ऐसा भूचाल आया हो। साल 1975 में शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, उनकी माँ और तीनों भाइयों का इसी तरीके के विद्रोह में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। 15 अगस्त 1975 को जब ये घटना हुई, उस वक्त शेख हसीना अपने पति वाजिद और छोटी बहन रियाना शेख के साथ ब्रसेल्स में थी। उस दिन तड़के ब्रसेल्स में बांग्लादेश के राजदूत सनाउल हक के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ हुमायूं रशीद चौधरी थे, जो जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत थे। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए हैं, आर्मी ने वहां बगावत कर दी है और शेख मुजीबुर मारे गए हैं। शेख हसीना को जब अपने माता पिता और भाइयों के मारे जाने की खबर मिली तो मानो उन पर जैसे वज्रपात हुआ। उन्होंने तय किया कि वो कुछ दिन अब ब्रसेल्स में ही रहेंगी, लेकिन राजदूत सनाउल हक ने उनसे फौरन जाने को कह दिया। शेख हसीना किसी तरह हुमायूं रशीद चौधरी की मदद से जर्मनी पहुंची। वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल बीबीसी हिंदी पर एक लेख में लिखते हैं कि जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत हुमायूं रशीद चौधरी भारत के राजदूत वाईके पुरी से मिलने गए और पूछा कि क्या भारत शेख हसीना और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दे सकता है। पुरी ने कहा कि वो नई दिल्ली बात करेंगे और फिर बताएंगे। अगले दिन पुरी अपने जवाब के साथ लौटे। चौधरी से कहा कि भारत में राजनीतिक शरण की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है। अब तो खुद भारत में बांग्लादेश मिशन के चीफ रह चुके हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके सलाहकार डीपी धर और पीएन हक्सर आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, आप एक बार उनसे खुद क्यों नहीं बात करते। चौधरी ने सोचा कि इंदिरा गांधी या उनके सलाहकारों को सीधे इस तरह से फोन करना ठीक नहीं होगा। हालांकि जब कहीं कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आया तो उन्होंने थक हार कर इंदिरा गांधी के कार्यालय में उस वक्त फोन मिला दिया। फोन खुद इंदिरा गांधी ने रिसीव किया। चौधरी ने इंदिरा गांधी को सारी बात बताई और वो फौरन शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और उनके परिवार को राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार भी हो गई। 19 अगस्त को भारतीय राजदूत वाईके पुरी फिर बांग्लादेश के राजदूत हुमायूं रशीद चौधरी से मिले और कहा कि उन्हें नई दिल्ली से निर्देश ये मिला है कि शेख मुजीबुर की बेटियां और उनके परिवार को दिल्ली पहुंचाने की फौरन व्यवस्था की जाए। 24 अगस्त 1975 को एयर इंडिया के विमान से शेख हसीना और उनका परिवार दिल्ली पहुंचा और यहाँ पालम एयरपोर्ट से उन्हें सीधे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सेफ हाउस ले जाया गया। इसके कुछ दिनों बाद इंडिया गेट के पास पंडारा पार्क के करीब उन्हें एक स्थायी फ्लैट आवंटित कर दिया गया। शेख हसीना को सख्त हिदायत दी गई कि वो अपने फ्लैट से बाहर ना निकले और ना ही किसी से मिले। उनकी सुरक्षा के लिए दो तेज तर्रार अफसरों को भी तैनात किया गया। भारत में करीब 6 साल निर्वासित जीवन बिताने के बाद शेख हसीना 1986 में बांग्लादेश लौटी और अपने पिता की पार्टी से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। धीरे धीरे उनकी जिंदगी और राजनीति दोनों पटरी पर आ गई, लेकिन 2009 में फिर भूचाल आया। शेख हसीना को भी प्रधानमंत्री बने कुछ ही दिन हुए थे कि बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स ने विद्रोह कर दिया। देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में भयानक हिंसा शुरू हो गई। आर्मी के कई टॉप अधिकारियों की हत्या कर दी गई। अविनाश पालीवाल हाल ही में पेंगुइन से प्रकाशित अपनी किताब इंडियाज नियर ईस्ट अ न्यू हिस्ट्री में लिखते हैं कि उस वक्त यूपीए की सरकार थी, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। एक दिन आधी रात को उनके फोन की घंटी बजी, दूसरी तरफ शेख हसीना थी। उनका गला रूंधा हुआ था, आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल रही थी। उन्होंने बस इतना कहा कि मुसीबत में हैं और मदद चाहिए। प्रणब मुखर्जी तुरंत समझ गए कि कुछ भयानक होने वाला है। शेख हसीना भारत में निर्वासन के दिनों से मुखर्जी को जानती थी। मुखर्जी भी बंगाल से आते थे जो बांग्लादेश से सटा हुआ है और उस दौर में दोनों के बीच ऐसा गहरा रिश्ता बना कि शेख हसीना मुखर्जी को काका बाबू कहकर बुलाने लगी। जब बांग्लादेश गई तो वहां से अक्सर प्रणब दा की पसंदीदा हिलसा मछली उनके लिए भिजवाया करती थी। प्रणब मुखर्जी खुद अपनी आत्मकथा कोलिशन ईयर्स में शेख हसीना से करीबी का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि उनकी शेख हसीना से इतनी नजदीकी थी कि उन्होंने बांग्लादेश के जनरल मोइन यू अहमद को आश्वासन दे दिया था कि हसीना उनके पद से नहीं हटाएंगी। शेख हसीना के इस फोन की फौरन प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई और हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। भारत सरकार ने मन बना लिया था कि किसी भी कीमत पर शेख हसीना पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करने का एक प्लान तैयार किया गया। भारत ने 3 तरफ से बांग्लादेश में अपनी सेना भेजने की तैयारी भी कर ली।
पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स पर आनन फानन में करीब 1000 पैराट्रूपर्स भेजे गए और इस तरह की तैयारी जोरहाट और अगरतला में भी की गई जो बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए इलाके थे। अविनाश पालीवाल अपनी किताब में लिखते हैं कि इंडियन आर्मी का प्लान ये था कि सबसे पहले ढाका के जलाल और तेजगांव एयरपोर्ट को सिक्योर करेंगे जो बांग्लादेश एयरफोर्स का बेस भी है। इसके बाद पैराट्रूपर्स प्रधानमंत्री आवास से शेख हसीना को सुरक्षित निकालेंगे। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि इंडियन आर्मी ने अपने फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक को अत्याधुनिक हथियार भी दे दिए थे और इसी बीच भारतीय सेना के टॉप ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स दूसरे चैनल से बांग्लादेश आर्मी के संपर्क में थे और उनको कड़ा संदेश दे दिया था। आखिरकार विद्रोह थम गया, भारत को न सेना भेजनी पड़ी और न ही शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। यानी एक बार नहीं कई बार शेख हसीना की मदद भारत ने की है। फिलहाल भारत में ही वो मौजूद हैं, आगे किस देश में वो पॉलिटिकल असाइलम लेंगी इस पर सबकी निगाहें बनी है, कोई फैसला इस पर नहीं हुआ है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन के जरिए आप बता सकते हैं और ऐसी ही बाकी स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।